पाकिस्तान की सियासत में अजीब सा तमाशा लगा हुआ है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, कभी कोई सियासी लीडर गिरफ्तार हो जाता है, वो नहल कर दिया जाता है, कभी कुछ। जजेस की भी समझ नहीं आती, कभी उनके हक में फैसला दे देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। पाकिस्तान में चल क्या रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। इन सब का आपस में तमाशा लगा हुआ है, इनको कोई फिक्र नहीं है आवाम के साथ क्या हो रहा है। आवाम के लिए दो वक्त का खाना मुश्किल हो चुका हुआ है, जितनी को महंगाई पाकिस्तान में हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक ही निज़ाम चल रहा है अभी इस वक्त में, क्योंकि इमरान खान साहब का जो ग्राफ था पॉपुलैरिटी का वो इधर गया हुआ था, उसको यकदम नीचे गिराना ज़रूरी था। पता नहीं क्यों ज़रूरी था, आवाम जो चाहती है उनको करने दें। कि हमेशा आपने वो अपने खेलना कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है तो फिर मैदान में जाना है, आखिर इसकी जरूरत क्या है? क्या जरूरत है आप लोगों को? क्या डर है इमरान खान साहब से या किसी और? जो पहले भी लीडर आते रहे हैं उनके साथ भी यही होता रहा है। ये पहली दफा खान साहब के साथ नहीं हुआ, ये पहले नवाज शरीफ के साथ भी हुआ है, बाकी लोगों के साथ भी होता रहा है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? कि आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि हमें पता है किसने क्या करना है, किसने वजीर आजम बनना है, किसने नहीं। तो फिर आप खुद ही वजीर आजम बन जाओ, अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड बना के देनी है, क्यों बना के देनी है? क्या आवाम का कोई हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपना नुमाइंदगा चुन सके? 75 साल में एक बात तो समझ आ गई कि ये वही पुत्र है जो हट्टा पे नहीं बिकता। नूरजहां साहब ने मैडम ने एक गाना गाया था ना, कि आ पुत्र हट्टा ते नहीं बिकते, वो इमरान खान जैसे पुत्रां वास्ते ही सी। कि कम से कम वो कल्ला लड़ रहा है इस सिस्टम के खिलाफ, जो कुछ भी है वो गलत है सही अल्लाह ताला की जात उस बंदे की नीयत जान दी बेहतर जान दी। लेकिन जो कुछ इस मुल्क पाकिस्तान दे विच हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड बना के तो खेलना है। इस चीज़ की समझ नहीं आती कि लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना क्यों जरूरी है। आह डर की है तुहानू, क्या तुहाडी इजारादारी उन्हें खत्म कर देनी है? सानू तो फिर यही लगता कि तुहानू ये डर है। बाकी दुआ ये करो कि मुल्क पाकिस्तान अल्लाह ताला दी जात रहम फरमाए, क्योंकि खान साहब के भी जो सपोर्टर ने ना वो गल उन्होंने वाली कि कूफिया वाला निज़ाम इन्हों का कि कूफी ने, तो कोई भी